तो ये है किया की कैरेंस, जिसका आज हुआ है वर्ल्ड प्रीमियर। जी हाँ, आप हमारे साथ पहली बार देख रहे हैं किया की कैरेंस गाड़ी, जो एक ना एसयूवी है ना एमपीवी है। लगती एसयूवी जैसी है, कंफर्ट एमपीवी वाला है। किया इसको कह रहा है आरवी, जो है रिक्रिएशनल व्हीकल। बट ये वैसा नहीं है जैसे आपको रिक्रिएशनल व्हीकल दुनिया में दिखते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है। जो फ्रंट फेशिया है काफी डिफरेंट है। जो आज तक आपने किया की गाड़ियां देखी है टाइगर नोज ग्रिल के साथ, वो थोड़ा सा मर्ज हो गया और कुछ डायमंड टाइप पैटर्न हो गया है, और बैक में भी वैसा ही है। अभी हम सिर्फ गाड़ी के एक्सटीरियर की बात कर सकते हैं, क्योंकि इंटीरियर इसका जो अभी है हम दिखा नहीं सकते हैं। हाँ, पीक कर सकते हैं, बट वैसे अंदर बैठ के गाड़ी के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। एक्सटीरियर की बात करते हैं तो डिज़ाइन आगे से काफ़ी चेंज है, जो बिल्कुल किया की गाड़ियों का होता था वैसा नहीं है। और मुझे जो चीज़ें अच्छी लगी हैं, वो जो पैटर्न है डायमंड टाइप जो ग्रिल में दिख रहा है और जो नीचे दिख रहा है, वो काफ़ी अच्छा लगा है। डिटेल में बात करेंगे जब हम गाड़ी की ड्राइव करेंगे, इंटीरियर एक्सटीरियर परफॉर्मेंस सब कुछ के बारे में। कुछ स्टैंड आउट फीचर्स जो हैं, 6 एयरबैग्स आपको मिलते हैं चाहे आप कोई भी वेरिएंट ले गाड़ी का, विच इज़ अ गुड सेफ्टी फीचर, जो आई थिंक नॉर्म होना चाहिए, वो आपको इस गाड़ी में मिलता है 6 एयरबैग्स का। कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं अच्छी लगी वो है, इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलता है, 360 डिग्री कैमरास नहीं मिलते हैं जो आजकल कंपटीशन में मिल रहे हैं। वो उसका स्पीकर सराउंड सिस्टम, एयर प्यूरीफायर, ये सब स्टैंडर्ड फीचर्स हैं, ये इंक्लूडेड हैं गाड़ी के अंदर। कहते हैं कि लॉन्गेस्ट व्हील बेस है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट व्हील बेस है इस गाड़ी का। तो आपको पीछे जो थर्ड रो है उसमें सबसे ज़्यादा कम्फर्ट मिलता है, साथ में ट्रेज मिलती हैं, कर्टन्स मिलते हैं, तो काफ़ी लग्जूरियस फील देते हैं गाड़ी को। जैसे कि आप टेबल खोल के उसमें सामान रख सकते हैं, अपना आईपैड रख सकते हैं, कुछ खाने को रख सकते हैं, वो सब चीज़ों की सुविधाएं इसमें दी गई हैं। इसका जो सिबलिंग कह सकते हैं राइवलरी है अल्काज़ार के साथ है, उसके अंदर कुछ अच्छे एडिशनल फीचर्स जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ है, और साथ में टर्न इंडिकेटर्स पे जो व्यू आ जाता है मीटर्स के अंदर, वो सब चीज़ें हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है लोगों को। तो देखना यही होगा कि क्या ये अल्काज़ार और बाकी कॉम्पिटिशन जैसे कि हेक्टर प्लस है, सफारी है, इन सब गाड़ियों को कंपटीशन दे पाती है। नहीं, लुक्स के मामले में जी हाँ काफी अट्रैक्टिव है। अगेन वैसे लुक्स हैं कि कुछ लोगों को पसंद आएंगे और कुछ को नहीं। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो काफी कुछ आपको सिमिलर लगेगा जो बाकी गाड़ियों में मिलता है। ओवरहैंग थोड़ा सा बड़ा है बिकॉज ये 7 सीटर गाड़ी है और आपको स्पेस ज्यादा दिया गया है थर्ड रो में। और जो थर्ड क्वार्टर पैनल है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरे को हेक्टर प्लस जैसा लग रहा है, तो मिक्स एंड मैच है बिकॉज ऑब्वियसली इस सेगमेंट में ऐसा ही डिजाइन आता है, कुछ अलग नहीं आता। सो क्या ये क्वालिफाई करती है अपने आपको आरवी कहलाने के लिए? कुछ मिक्सर है एसयूवी और एमपीवी का। तो बात कर लेते हैं किया कैरेंस की बैक की, कैसी दिखती है रियर डिजाइन में और क्या डिफरेंस है। तो ये है इसकी बैक, और आप देख सकते हैं काफी रिमाइंड करेगा आपको ये सोनेट और सेल्टोस के बीच में, बिकॉज ये जो लाइन है जो कनेक्ट कर रही है, किया का जो न्यू एज लोगो है, स्पॉइलर है, शार्क फिन एंटीना है, काफी कुछ मिलता जुलता है बिकॉज वो किया की फिलोसफी है, वो चल रही है बैक में। आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं बाकी किया की गाड़ियों से, जो ये डायमंड फिन्स टाइप क्रिएट करे गए हैं सिल्वर पे, वो सुंदर लग रहे हैं। लाइट थोड़ी सी स्लीक है और अच्छी लग रही है, जैसे बाकी किया की गाड़ियां होती थी लाइक स्टैंड आउट, स्टैंड अपार्ट, वेरी डिफरेंट, वैसी नहीं कह सकते आपको बैक से। और उसका रीजन ये भी हो सकता है कि अब हम ये चौथी गाड़ी है किया की इंडिया में, तो हम थोड़ा यूज्ड हो गए किया के डिजाइन से। तो ये था फर्स्ट लुक किया कैरेंस का, जो वर्ल्ड प्रीमियर था आज। आपके साथ साथ पूरे वर्ल्ड ने देखा है किया कैरेंस को पहली बार हमारे साथ। तो ये था इसका एक्सटीरियर लुक, आपको कैसा लगा बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द ऑटोमोटिव ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।